जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल हकीम में। अब्दुल हकीम, ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक अवामी महम का आगाज़ किया गया है। ट्रैफिक इंचार्ज अब्दुल हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो आवाम को क्या पैगाम देते हैं। जी सर, बताइएगा कि ट्रैफिक आगाही महम का आगाज़ किया गया है, तो इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद तारिक, सर्कल इंचार्ज अब्दुल हकीम। अभी हमारी आगाही मुहिम तो साथ साथ चलती रहती है, उसके साथ इन्फोर्समेंट जारी है। स्पेशली हुकूमत पंजाब की तरफ से जो फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं वो काफ़ी जुर्माने ज़्यादा हो गए हैं। वो मेरा अपील है कि लोग कम से कम वायलेट करें और मैक्सिमम स्पेशली ये मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट की वजह से खुदा न खास्ता जितने भी कोई एक्सीडेंट होते हैं तो हेड इंजरी की वजह से 70% कम चांस कम होते हैं, किसी के बचने का लाइफ सेविंग मुश्किल हो जाती है, ये सारी ज़िंदगी पार हो जाता है। और उसमें उसके साथ साथ आपको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है इन केस आप हेलमेट के बगैर चल रहे हैं। तो ये वालदैन से गुजारिश है इसके अलावा साथ साथ के बच्चों को, कम उम्र बच्चों को कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने ना दें किसी सूरत में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेट बच्चे करते हैं और जिग जैग करते हैं, स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से हादसा होते हैं और सारी उम्र के लिए अपाहिज हो सकते हैं, खुदा न खास्ता ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं। जी जैसा कि सर का कहना था कि वालदैन अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की हरकत ना दें। जी